जिली मीडिया में एक बार फिर सबको खुश आमदेद। गालिब कमाल जो दावा करते हैं कि वो कभी मसीही थे और अब वो मसीहियत को तर्क कर चुके हैं और मुलहिद यानी एथियस्ट हो चुके हैं, उन्होंने कुछ रोज पहले अपने एक नए वीडियो में इस अनवान से वीडियो अपलोड किया कि मैंने मसीहियत क्यों छोड़ी। तो इसमें उन्होंने कुछ बातें बयान की हैं, यानी कि मसीहियत पे कुछ एतराजात किए हैं जिनकी बिना पर उन्होंने मसीहियत को तर्क कर दिया। उनके ये तमाम बयान जो हैं और वजूहात नहायत ही बचगाना और कभी कभी तो अहमकाना भी मालूम होती हैं। लेकिन आइए चले फिर भी हम उनके इन एतराजात का जायजा लेते हैं और देखते हैं कि हम उन्हें किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि मसीहियत के मुताबिक, बाइबल के मुताबिक, बाइबल की पहली किताब पैदाइश के मुताबिक जो तखलीक का सारा सिलसिला है, खुदा ने जिस तरह से कायनात और जमीन और दुनिया तखलीक की, उसमें उनको काफी एतराजात दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि पैदाइश की किताब के मुताबिक जब खुदा ने दुनिया बनाई तो उसमें जो तरतीब है मुख्तलिफ चीजें बनाने की, वो उससे जरा भी एग्री नहीं करते। गालिब कमाल एतराज करते हैं पैदाइश के पहले बाब की 11वीं आयत से लेकर 14वीं आयत में जो तरतीब है कि खुदा ने तीसरे दिन जमीन में घास और बीजदार बूटियों को और फलदार दरख्तों को जो अपनी अपनी जिन्स के मुआफिक फले और जमीन पर अपने आप ही में बीज रखे उगाए और ऐसा ही हुआ। और ये तीसरे दिन हुआ, यानी कि तीसरे दिन खुदा ने जमीन पर पौधे दरख्त फूल और बीजदार पौधे और दरख्त वगैरह पैदा किए। और उसके बाद हम देखते हैं कि चौथे दिन 14वीं आयत में लिखा है और खुदा ने कहा फलक पर नैयर हों कि दिन को रात से अलग करें और वो निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए हों। और यहाँ हम आगे जाके देखते हैं कि इसमें नैयर अकबर यानी सूरज और नैयर असगर यानी चांद रात की रोशनी के लिए तख्लीक किया गया। गालिब कमाल साहब फरमाते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि पौधे तो पहले तख्लीक कर दिए गए और पौधों के लिए चूंकि रोशनी, सूरज की रोशनी उनको जिंदा रखने के लिए जरूरी होती है तो वो बाद में तख्लीक किया गया, यानी कि सूरज चौथे दिन और पौधे दरख्त वगैरह तीसरे दिन तख्लीक किए गए। तो गालिब साहब ये फरमाते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि पौधे सूरज की रोशनी के बगैर जिंदा रहे होंगे। अब ये अजीबो गरीब किस्म की दलील और अजीबो गरीब किस्म का एतराज है। तो आइए चले पहले तो इसका जायजा लें। किसी भी स्कूल के बच्चे से अगर आप पूछे कि पौधों को बढ़ने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, तो वो यही कहेंगे रोशनी, सूरज की रोशनी और इसके अलावा हवा, नमी, पानी और जमीन की जरखेजी। अब पहली तो बात ये है कि खुदा जिसने पौधों को, दरख्तों को और पूरी कायनात को तख्लीक किया, क्या उसके लिए ये मुमकिन ना था कि पौधों को एक दिन 24 घंटे तक सूरज की रोशनी के बगैर जिंदा रखा जा सके? और वैसे भी पौधे 24 घंटे तो सूरज की रोशनी के बगैर जिंदा रह ही सकते हैं। और जहां तक रोशनी का ताल्लुक है तो जैसे कि हम पैदाइश की किताब में तख्लीक कायनात का बयान पढ़ते हैं और यहाँ पैदाइश की किताब के पहले बाब की 3री आयत में यूं लिखा है और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा और रोशनी हो गई। तो तख्लीक कायनात में रोशनी पहले दिन तख्लीक हो चुकी थी। बाद में चांद और सितारों का जो निज़ाम खुदा ने कायम किया उनका मकसद अयाम, माहौसाल और कायनात में दीगर अजराम फलकी के तवाजन को कायम रखने के लिए किया। तो रोशनी तो पहले ही मौजूद थी, गो के वो सूरज की रोशनी ना थी लेकिन रोशनी मौजूद थी। पौधों को, दरख्तों को अपनी नशोनुमा के लिए, कायम रहने के लिए सिर्फ रोशनी ही, सूरज की रोशनी ही की जरूरत नहीं रहती, यानी फोटोसिंथेसिस के अलावा उन्हें जमीन में जो पानी है और जो फिजा में एलिमेंट्स हैं, नमी है, हवा है, बुखारात हैं, ये तमाम चीजें भी पौधों को और दरख्तों को जिंदा रखती हैं और कायम रखती हैं। चूंकि बाइबल के मुताबिक सारी कायनात, दुनिया 6 दिन में बनी, 7वें दिन खुदा ने आराम किया, तो ये क्या एक 24 घंटे का दौरानिया जो है वो दरख्तों और पौधों को उस खुदा के हाथों कायम नहीं रख सकता था जिसने पूरी कायनात तख्लीक की? तो ये बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की बचगाना सी एक दलील है या एतराज है। इसके बाद गालिब कमाल साहब जो एतराज उठाते हैं वो नूह के तूफान के हवाले से। उनको ये भी समझ नहीं आती कि ये कैसे मुमकिन है कि
इतना बड़ा तूफान आया हो और साइंस इसको अप्रूव नहीं करती, और ये सरासर गलत बात है। बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी मानता है कि जिस तरह से हम पत्थर देखते हैं और सैंड डिपॉजिट्स देखते हैं, और सबसे बड़ी बात जो फॉसिल्स हैं, मुर्दा जानवरों के फॉसिल्स, पौधों के फॉसिल्स और तरह तरह के जो दीगर फॉसिल्स, मछलियों के फॉसिल्स दरियाफ्त होते रहते हैं, वो कहाँ से आए। अब गालिब कमाल जो कि एथियस्ट एवोल्यूशन को मानते हैं, एवोल्यूशनिस्ट हर चीज को मिलियंस ऑफ ईयर्स, लाखों सालों के दौरानिया पे डाल देते हैं, और वो भी ये कभी स्पेसिफाई नहीं कर पाते कि ये जो लाखों सालों का दौरानिया वो बयान करते हैं, इसमें कहाँ, किस वक्त, किस सन में, कितने साल पहले एग्जैक्टली ये वाकया हुआ, या कोई भी वाकया जो वो बयान करते हैं। तो फॉसिल्स के हवाले से अगर स्टडी की जाए, और की गई है, तो वो जाके ट्रेस होते हैं किसी न किसी इवेंट से जो माजी में हुआ हो, और वो इवेंट की और हो ही नहीं सका सिवाय इसके कि एक बहुत बड़ा तूफान आया हो। और साइंटिस्ट भी मानते हैं कि फॉसिल्स हैं, फॉसिल्स की स्टडी करते हैं और उनकी एज का तहमीना लगाते हैं। वो अलग बात है कि वो उन्हें लाखों साल तक ले जाते हैं, लेकिन बाइबल की जो तारीख है या एज बनती है उसके लिहाज से उनका जो टाइम पीरियड है वो कम बनता है। लेकिन फ्लड यकीनन आया, चाहे वो आप बाइबल के हवाले से देखें, या आप तारीख के हवाले से देखें, या आप साइंस के हवाले से देखें। और फिर वो कहते हैं कि अगर नूह की कश्ती के हवाले से उन्होंने बात की है कि डायनासोर जो कि इतने बड़े थे वो उस कश्ती में कैसे फिट हो गए, तो डायनासोर फिट नहीं हुए होंगे, एक्सटिंक्ट हो गए। और डायनासोर जरूरी नहीं कि बहुत बड़े थे, छोटे भी थे, डायनासोर की कोई एक किस्म नहीं थी, बहुत किस्में थी, और डायनासोर अभी हैं भी नहीं है, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो एन मुमकिन है कि वो तूफान नूह में ही एक्सटिंक्ट हो चुके हों। ये तो साइंस भी मानती है कि डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। दरअसल ये गालिब कमाल जैसे लोग जो है, ये जो हॉलीवुड की मूवीज हैं, आइस एज वगैरह, उनसे मुतासर हो कि उनमें जो कैरेक्टर हैं, जैसे वो एक भैंसा है, मैमथ है, वूली मैमथ उसे कहते हैं, अगर आइस एज की बात करते हैं वो, कि आइस एज पर बाइबल खामोश है, बाइबल आइस एज का जिक्र क्यों नहीं करती, तो भाई आइस एज का जिक्र बाइबल में नहीं है, लेकिन इसके इम्कान हैं तूफान नूह के बाद, जिस तरह से टेम्परेचर में और फिजा में चेंजेस आए, लेकिन ये वो आइस एज नहीं है जो साइंस कहती है, जो आप लोग मानते हैं, क्योंकि साइंस के मुताबिक भी कोई एक आइस एज नहीं थी, साइंस के मुताबिक भी एक नहीं बल्कि 50 के करीब आइस एजेस गुजरी हैं, और इन 50 आइस एजेस को एक खास नाम भी दिया गया है। ये 50 आइस एजेस को कहा जाता है कि ये प्लेस्टोसीन आइस एजेस का आप अंदाजा करें कि दौरानिया कितना होगा, एक एज का इतना दौरानिया होता है, हजारों सालों का दौरानिया होता है, और ये 50 आइस एजेस का दौरानिया कितना होगा। और अगर आप वो हॉलीवुड की मूवीज आइस एज वगैरह की बात करते हैं, या उनसे मुतासर होकर सोचते हैं, तो उनमें जो वूली मैमथ, वो बड़े जो बर्फानी भैंसे दिखाए गए हैं, आप तसव्वुर करें कि अगर एक आइस एज हजारों सालों के दौरानिया पे मुश्तमिल थी, जैसे कि आप लोग कहते हैं कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इयर्स की बात करते हैं, तो उस लिहाज से सोचें और आप हमें जवाब दें कि वो जो वूली मैमथ है, जिन्हें आइस एज मूवीज में भी दिखाया जाता है, वो इतने कोल्ड टेम्परेचर में कैसे सर्वाइव कर गए, वो क्या खाते होंगे और कहाँ से खाते होंगे। आइस एज मूवी में वूली मैमथ तो डाल दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो खाता क्या था और इतने साल से कैसे जिंदा भी रहा। और आप आइस एज की बात करें, और एज कोई 10 सालों की बात, 20 सालों की बात नहीं होती, जानवर तो 10 दिन ही खुराक के बगैर जिंदा रह सकते हैं, तो आप एजेस की बात करते हैं। तो अगर आप क्रिएशन पे सवाल उठाते हैं, तो इस तरह के सवाल एवोल्यूशन पे, साइंस पे भी उठाए जा सकते हैं, और वैसे इसको साइंस कहना मुनासिब बनता भी नहीं है। बड़े बड़े साइंटिस्ट क्रिश्चियन ही थे, और उन्होंने इस तरह की बेवकूफियों की बातें नहीं की थी। तो गालिब कमाल साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप बहुत अपने आप को आलम कहते हैं, यानी कि आलम है तो ज़ाहिर पढ़ते भी होंगे बहुत ज़्यादा, तो एक किताब आप ज़रूर पढ़ें, हमारी तरफ से भी कुछ थोड़ी सी रहनुमाई ले लें, एडवाइस ले लें। किताब का नाम है इन 6 डेज, लिखने वाले हैं कैन हैम, ये ज़रूर पढ़ें, और शायद आपके इल्म में कुछ मुस्बत चीज़ों का इजाफा हो और आपकी सोच में कुछ मुस्बत तब्दीली आए। लेकिन अगर आप सिर्फ मसीहियत को, रिलीजन को अटैक करने के लिए ही स्टडी करेंगे, तो आपको यकीनन बहुत मवाद मिल जाएगा जो किसी भी रिलीजन को या क्रिश्चियनिटी को अटैक करता है। लेकिन अगर आप एक तालिब इल्म की हैसियत से स्टडी करना चाहते हैं, कुछ बातों को समझना चाहते हैं, तो फिर जरूरी है कि आप दूसरी तरफ के नुक्ता नजर को भी देखें और पढ़ें, तभी जाकर किसी बात की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन अगर आप ये माइंड बना के स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे कि मैंने किसी चीज़ को गलत ही साबित करना है, तो आप यकीनन वही किताबें पढ़ेंगे, वही रिसोर्सेज को देखेंगे जो आपकी सोच के मुताबिक हों और आपकी सोच को वो सपोर्ट करें। लेकिन एक अच्छा स्कॉलरली तालिब इल्म जब किसी चीज का मुतालिया करता है, तो वो दोनों साइड्स को देखता है,
कि अगर एवोल्यूशनिस्ट ये कहते हैं तो क्रिएशनिस्ट क्या कहते हैं, तो आप क्रिएशनिस्ट का जो डिफरेंस है आप उसको भी देखें ताकि आपकी सोच में एक बैलेंस आए, और फिर फैसला करें कि आप किस चीज का यकीन करना चाहते हैं। फिर आपने एक और बात कही है कि ये जो नए आयतनामे में खुदा यीशु मसीह के हवाले से मोजज़े उनसे मंसूब हैं, आपके अल्फाज में वो सब गप्पे हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या कोई स्कॉलरली आदमी जो एकेडेमिशियन हो, जो इल्म से मोहब्बत रखता हो या इल्म से चीजों को समझना चाहता हो, वो इस तरह की जुबान इस्तेमाल करता है कि ये सब गप्पे हैं? ये तो किसी चीज को मुकम्मल तौर पर बस डिसमिस कर देने वाली बात है। आप खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ों को गप्पे कह रहे हैं। गप्पे कहने से किसी चीज को रद्द नहीं किया जा सकता। किसी चीज के बारे भी कहा जा सकता हो ये तो गप्पे हैं, मैं तो एवोल्यूशनिस्ट के बारे भी कह सकता हूँ कि ये सारी गप्पे हैं, फजूल बातें हैं, लेकिन मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि अगर किसी चीज को चैलेंज करना है, डिबेट करना है, तो फिर जरूरी है कि एकेडेमिक लैंग्वेज इस्तेमाल की जाए। ये कह के डिसमिस कर देना ये सारी गप्पे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये कोई देहाती लोग थे जो बैठे हुए वह गप्पे मार रहे थे और उनकी गप्पों को किसी ने नोट कर लिया और अंजीलों में कन्वर्ट कर दिया, और ये खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़े, उनका पानी पर चलना गप है, उनका मुर्दों को जिंदा करना, नाबीनाओं को आंखें देना, बीमारों को शिफा देना, ये सारे मौजज़े गप्पे हैं। दलील से बात करें, फजूल बातें ना करें, गप्पे हैं। तो ये तो कोई दलील ना हुई किसी बचकाना बातें में, ये तो गली मोहल्ले में चलते फिरते लोग किसी की बात सुनते कहते हो छोड़ो यार ये बड़े, ये तो गप लगती है, झूठ लगता है। तो ये बाइबल की बात है, एक डॉक्यूमेंट है जिसको करोड़ों लोग साल हर साल से मानते हैं, तस्लीम करते हैं, और इसी के मानने वालों के मुल्क में आप बैठे हुए हैं। इसी के मानने वाले चांद पर गए, इसी के मानने वालों ने बड़ी बड़ी इन्वेंशंस की, इसी के मानने वालों ने वो भी इन्वेंशंस की जिनके इस्तेमाल से आप अभी पूरी दुनिया में अपना नाम इंटरनेट पे कमा रहे हैं। तो ये बचकाना अहमकाना बातें करना छोड़ दें। आपको मैंने पहले भी दो दफा कहा है कि आप डिबेट करें, प्रॉपरली डिबेट करें, अपने चेहरे से मास्क उतारें और डिबेट करें। देखिये मैंने अपने चेहरे पे कोई मास्क नहीं पहना हुआ, डिबेट करने के लिए अपना चेहरा दिखाएं, आप कौन है, क्या है और सामने है। लेकिन ये बचगाना और अहमकाना बातों से क्रिश्चियनिटी को पहली तो बातों कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आप जैसे कही है और चले गए, क्रिश्चियनिटी अभी भी है और रहेगी। इसके बाद फिर आपने ये भी फरमाया है कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में तो कोई जानता ही नहीं था, कॉन्स्टेंटाइन की माँ यानी कि हेलेना वो थी जिन्होंने जाकर यरूशलेम में ये बताया कि ये खुदावंद यीशु मसीह की कब्र यहाँ है, और वो यहाँ चलते थे, वहां चलते थे, उनकी निशानदेही कॉन्स्टेंटाइन एम्परर की माँ हेलेना ने की। इससे पहले किसी को भी खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ज्यादा इल्म था ही नहीं, उनको पता ही नहीं था कि उनको स्लीप कहाँ दी गई, उनकी कब्र कहाँ है। तो सबसे पहले तो बात यह है कि हम मसीही ना तो कब्रों को पूजते हैं ना कब्रों को मानते हैं। खुदावंद यीशु मसीह की कब्र की हमें क्या जरूरत, वो कहाँ है, कहाँ थी, किसने दरियाफ्त की, कब दरियाफ्त की, इससे क्रिश्चियनिटी का कोई लेना देना नहीं है। किसने बताया आपको कि हमें खुदावंद यीशु मसीह की कब्र से कुछ वास्ता है, वो तो जिंदा है, उनकी कब्र से हमें क्या लेना, उनकी कब्र हो या ना हो, और उनकी अगर कोई कब्र कहीं है भी और दरियाफ्त भी हुई है तो खाली है, हमें उसे क्या लेना। खुदावंद यीशु मसीह तो अजल से थे और अब तक रहेंगे, और वो मुर्दों में से जिंदा हुए और आसमान पर उठा लिए गए, उनकी कब्र से हमें क्या लेना देना। तो आप ये फजूल बातें कि उनकी कब्र तो हेलेना ने निशानदेही की, तो भी की तो क्या हुआ, उनको खुदावंद यीशु मसीह के बारे जानना था, उन्होंने रिसर्च की, एम्परर ने उन्हें अपॉइंट किया, उन्हें कहा कि आप खुदावंद यीशु मसीह के बारे में तहकीक करना चाहती हैं, उनकी खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत में वो निकली और उन्होंने वो तमाम चीजों की रिसर्च की, तो इसमें कौन सी बुराई की बात है भाई। और दूसरी बात यह है कि अगर वो कब्र है या नहीं है उससे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसने उस कब्र की निशानदेही, खुदावंद यीशु मसीह से कब्र का लेना देना क्या। कब्र तो उन्हें तीन दिन तक अपने अंदर रख सकी, वो जिंदा हुए और आसमान पर उठा लिए गए। और जहाँ तक आप ये कहते हैं कि उससे पहले किसी को पता ही नहीं था, ये आपने कैसी, मैं क्या कहूँ, जोसेफस और दीगर जो यूएस हिस्टोरियंस थे उन्होंने इन तमाम बातों को मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड किया था, रोमन हिस्ट्री में इन तमाम बातों का रिकॉर्ड था, रोमन हर चीज का रिकॉर्ड रखते थे। आप सिकंदर आजम को तो जानते हैं, सिकंदर आजम की पहली जमाने उम्री उनके मौत के बाद 1000 साल बाद सामने आई। अगर मैं आपसे पूछूं सिकंदर आजम कौन थे, उनके वजूद का क्या सबूत है आपके पास, जबकि उनकी पहली बार सुवाने उम्री बायोग्राफी उनके 1000 साल बाद आई। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखने वाले तो उनके साथ थे, मत्ती रसूल क्या उनके साथ नहीं थे, मरकस क्या पतरस के साथ नहीं थे, पतरस क्या खुदावंद यीशु मसीह के साथ नहीं थे, यूहन्ना क्या खुदावंद यीशु मसीह के साथ नहीं थे, जिन्होंने उन तमाम चीजों का बयानिया किया वो तो उनके साथ थे। सिकंदर आजम इतना बड़ा अजीम हुक्मरान फातेह होने के बावजूद उसके बारे में लिखने वालों ने 1000 साल बाद उनकी पहली सुवाने उम्री और उनके जो कारनामे थे उनको दर्ज करना शुरू किया। सिकंदर आजम को तो आप मानते हैं, जिनके बारे 1000 साल बाद
बाद पहली किताब आई, तहरीर आई, कि वो कौन था और कहाँ था। खुदा यीशु मसीह के साथ थे वो लोग जिन्होंने इंजीलें लिखी और 100 साल के अंदर अंदर लिखी गई, कोई हजार साल बाद नहीं लिखी गई। तो सिर्फ इख्तलाफ बराए इख्तलाफ और अपने चैनल की व्यूइंग बढ़ाने के लिए मसीहत के जो लोग खिलाफ हैं वो सुन के और खुश होते हैं, वाह वाह ये आदमी तो पहले मसीही था, इसको तो मसीहत के बारे बहुत कुछ पता है, इसलिए ये जो कहता होगा सच ही कहता होगा। तो आप कहते रहें, क्या फर्क पड़ता है, आप जैसे कही है और कही गए। आप जो भी इतराज करेंगे हम उनका जवाब देंगे, चाहें तो फेस टू फेस आए, हमें तो कोई डर नहीं है। आप हो कोई और हो, हम मसीह को मानने वाले हैं, मसीह को प्यार करने वाले हैं। अगर हम अपने ईमान को नहीं समझते कि वो क्या है, उसका सोर्स क्या है, तो फिर हमारा मसीह होना क्या कहलाता है। तो गालिब कमाल आप आए, जब भी जहां भी किसी भी जगह किसी भी वक्त आप आए, आप बात करें, लेकिन एकेडेमिक बात करें, पूरी तैयारी करके आए। तो बचगाना और अहमकाना और फजूल बातों से क्रिश्चियनिटी को बदनाम करने की कोशिश ना करें। वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस तरह से मसीहियत पर हमेशा से अटैक्स होते आए हैं और आज भी हो रहे हैं और होते रहेंगे, मसीहियत अब भी कायम है और हमेशा कायम रहेगी। हम आपको जवाब देंगे और एकेडेमिकली जवाब देंगे, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से जवाब देंगे, लॉजिक से जवाब देंगे, लेकिन इन बातों को सुनने का समझने का जरा हौसला रखें और सामने आए। इसके अलावा आपने और भी बड़े सवाल उठाए हैं कि झील जो है वो अरामी में या अबरानी में क्यों नहीं लिखी गई, यूनानी में क्यों लिखी गई। भाई यूनानी में इसलिए लिखी गई क्योंकि उस वक्त की जो एकेडेमिक लैंग्वेज लिंगुआ यूनानी थी, अबरानी नहीं थी। और यूनानी में लिखे जाने से फायदा यह हुआ कि झील की तरसील और उसकी दुनिया भर के मुख्तलिफ इलाकों में ज्यादा मौसर तरीके से हो सके। आपकी मादरी जबान क्या पंजाबी है या उर्दू है, आप बात उर्दू में करते हैं, तो इसी तरह से यूनानी उस वक्त की एकेडेमिक लैंग्वेज थी और इसी में ज्यादा इल्म और इल्म की जो तरवीज थी उसके लिए यही मीडियम था। तो इससे क्या प्रॉब्लम होता है कि भाई इंजील यूनानी में क्यों लिखी गई, अबरानी से यूनानी में तर्जमा की गई। और यूनानी उस वक्त तकरीबन यूरोप और एशिया के काफी इलाकों में एक लिंगुआ फ्रेंका के तौर पर इस्तेमाल होती थी, इसलिए इंजीलों का यूनानी में लिखे जाने से कोई बड़ा इशू नहीं बनता। तो ये फिर दोबारा मैं क्या कहूँ कि अजीबोगरीब किस्म की फजूल एलिगेशंस और बातें, और आपके सुनने वाले बड़े आपसे मुतासर होते हैं कि जैसे आप तो दुनिया के पता नहीं कहां से आलम पैदा हो गए हैं जो मसीहत को उड़ा के रख देंगे। और भाई आप क्या मसीहत को उड़ा के रखेंगे, मसीहत ने तो शायद आपको उड़ा के रख दिया हुआ है। इसलिए आप बात करना चाहते हैं तो सामने आके बात करें। मुझे पता है इसके अलावा आपने और भी बहुत सी बातें की हैं कि मसीह ने गुलामी के बारे में क्यों ना कुछ कहा, क्योंकि वो रोमन से डरते थे। तो आपको मैं ये भी जवाब दूं कि गुलामी के हवाले से जो मसीहियत का और खुदा यीशु मसीह के बारे में जो आपने गुलामी के हवाले से बात की है, उसके ऊपर भी मैं पूरा एक अलग वीडियो बनाऊंगा आपकी तसल्ली करने के लिए। इसमें मैं उसका जवाब नहीं दूंगा क्योंकि उसके लिए थोड़ी सी तफसीलन बात करना जरूरी बनता है। खुदा यीशु मसीह ने गुलामी के बारे में क्या कहा और क्यों नहीं उसे कंडेम किया, इन सारी बातों का जवाब अलग से एक और वीडियो में मैं आपको पूरा जवाब दूंगा। तो फिर आपको दोबारा मैं याद दिला देता हूँ कि हौसला करें, मर्द बने, सामने आए और चेहरे से नकाब उतार दें। आप किसी भी मसीही कंट्री में हैं, कोई आपको नहीं मारेगा, कोई नहीं आपको कत्ल करेगा। मसीहियत में इतना हौसला है, मसीहियों में भी इतना हौसला है कि हम तनकीद सुनते हैं, बर्दाश्त करते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। इसलिए नकाब चेहरे से उतारें, जिस मसीही मुल्क में भी हैं, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, जहां भी हैं, कोई आपको मसीही कत्ल नहीं करेगा। तो गालिब कमाल साहब, वंस अगेन वेटिंग फॉर यू एनीवेयर एनी टाइम। और मसीहत के बारे ये बोंगियां और फजूल बातें करना छोड़ दें, क्योंकि एकेडेमिकली बात करेंगे तो आपको जवाब देंगे, लेकिन अगर आप ऐसी फजूल बातें करते रहेंगे तो जवाब देना भी नहीं बनता। लेकिन चूंकि मेरे कुछ जानने वालों ने कहा था कि आप इसके साथ क्यों नहीं बात करते, भाई मैं तो बात करने के लिए तैयार हूँ जब भी जहां भी, और आपकी ये फजूल सी चंद बातों का मैंने थोड़ा सा जवाब दे दिया, लेकिन ये जाहिर है तफसीलन जवाब नहीं है, लेकिन हर एक चीज का जवाब है। मसीहियत को किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। आज सारी दुनिया में जो भी तरक्की है ये मसीहियत का ही एजाज है। यीशु मसीह का नाम अजल से अब तक मुबारक है, मुबारक रहेगा, और हम इस मुकद्दस और मुबारक नाम की हमेशा तारीफ करते रहेंगे, क्योंकि आसमान के नीचे कोई और नाम नहीं दिया गया जिससे इंसान निजात पाए। गालिब कमाल साहब, आपकी निजात भी मसीह में ही है। तो आप ये जो फेम आपको मिली है एंजॉय करें, लेकिन मसीहियत पर बात करने से पहले अच्छी तरह सोच लें कि आपको जवाब देने वाले हैं। मैं आपको जवाब दूंगा आपके हर सवाल का, हर बात का। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह का नाम हमेशा से हमेशा तक मुबारक रहे। आमीन।